तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज है 13th ऑफ मार्च और कल है 14th ऑफ मार्च और कल है बायोलॉजी का एग्जामिनेशन। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ डिफरेंस बिटवीन बताऊंगी जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो और बोर्ड एग्जामिनेशन में आ सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जा रहा हो तो आप बिल्कुल क्लियरली जितना आपको यह आता है उतना लिखिएगा और बाकी मैं आपको बता देती हूँ, इतने अच्छे तरीके से मैं आपको बताऊँगी कि आपको रिविज़न अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताऊंगी डिफरेंस बिटवीन गेमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, पहले मैं गेमेटोजेनेसिस के बारे में पूरा बता दूंगी, फिर मैं चलूंगी एम्ब्रियोजेनेसिस में, ठीक है। तो गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज कॉल्ड एज गेमेटोजेनेसिस। ये क्लास 11th में ही हमें बतलाया गया था कि गेमेटोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स इज नोन एज गेमेटोजेनेसिस। क्लियर है। सेकेंड पॉइंट में लिखना है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेयोटिक डिवीजन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स। क्या होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स मेयोटिक डिवीजन दैट लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ गेमेट्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, गेमेटोजेनेसिस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, गेमेटोजेनेसिस लीड्स टू फर्टिलाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस पे। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रो इज कॉल्ड एज एम्ब्रियोजेनेसिस। ये भी क्लास 11th में हमें बतलाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, द प्रोसेस इन्वॉल्व्स माइटोटिक डिवीजन दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ जायगोट इनटू एन एम्ब्रो। किस में डेवलप होता है जायगोट, एम्ब्रो में डेवलप होता है, और एम्ब्रो में डेवलप होता है तो इस बारे में हम लिखेंगे कि एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट में लिखिएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस इज फॉलोड बाय ऑर्गेनोजेनेसिस, ठीक है। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।